सो हेलो गाइस, मैं हूं बंटी निराला। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर में। दोस्तों, आज हम लोग जीवन प्रमाण पत्र फ्री में कैसे बनाएं, उसका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपना कोई से भी ब्राउज़र में जीवन प्रमाण लिख के जस्ट सर्च करेंगे, फिर आपको इस वाले साइट में आ जाना है। यहाँ पर लोकेट सेंटर में यदि देखना चाहते हैं तो लोकेशन सेंटर भी कर सकते हैं। यदि हम लोग इसका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो चलिए इसको छोड़ते हैं, सर्विस अनअवेलेबल है। तो सबसे पहले इसको हम लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्री में बनाना है अपने को जीवन प्रमाण पत्र, मतलब लाइफ सर्टिफिकेट, जो कि सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, आपके पास एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, मार्फो या फिर कोई सा भी अदर, जैसे मैं अभी स्टार्टअप डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको इसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। जस्ट ईमेल आईडी डालने के बाद आपको कैप्चा को डालना होगा, फिर उसके बाद आई एग्री टू डाउनलोड करना होगा। जस्ट इसको करने के बाद आपके रजिस्टर जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे मेंशन किए हैं उसमें एक ओटीपी जाएगा, कुछ इस तरीके से जीवन प्रमाण के नाम से। ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमारे में यह ओटीपी आ गया। इस ओटीपी का हम लोग वन टाइम पासवर्ड रहता है, उसको वहाँ पर हम लोग फिलअप करेंगे। ठीक है, जैसे फिलअप करेंगे हमारे एक नया ऑप्शन ओपन होगा कि यहाँ पर आपको कौन सा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे विंडोज़ के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो विंडोज़ में जैसे क्लिक करेंगे हमारे रजिस्टर्ड ईमेल में ईमेल डाउनलोड लिंक शेयर हो जाएगा और वहाँ से हम लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट कुछ सेकंड में इसको जैसे हम लोग बैक किए देख सकते हैं जीवन प्रमाण के नाम से एक इंस्टॉलर यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड हो चुका है। ठीक है, जस्ट इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा जिप फाइल में। बस इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, जैसे इसको एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने का प्रोसेस आपको यहाँ से पता हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है, जैसे ये इंस्टॉलर है इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे हम लोग तो कुछ इस तरीके से इसका इंस्टॉलर ओपन होगा। फिर इसको जस्ट नेक्स्ट करना है, फिर यहाँ पर यदि आप मॉर्फो डिवाइस लगा है तो उसको भी आप एक साथ इसका आरडी सर्विस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है। तो अदरवाइज मेरे पास पहले से इंस्टॉल है लेकिन मैं दूसरा डिवाइस भी यूज़ कर रहा हूँ जैसे स्टार्टेक, तो उसका यहाँ पे अनचेक लगा के इसको जस्ट सिर्फ मेरे जीवन प्रमाण को करना है, तो इसको नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर लेना है। जैसे फिनिश करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, फिर आपको ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन करना होगा, मतलब कि आपका अपना जो पहले का खुद से जो बनाने वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, उसके बाद ये ओपन होगा। ठीक है, तो चलिए इसको वेट करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन करके, तो सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना होगा, मोबाइल और ईमेल आईडी तीनों कंपलसरी है, याद रखिएगा आधार नंबर मोबाइल ईमेल आईडी। ठीक है, फिर अपना जो ईमेल या मोबाइल नंबर डाल लेना है और ईमेल आईडी, फिर जैसे ही जनरेट ओटीपी करेंगे यहाँ पर डिवाइस में भी आपका जो भी डिवाइस रजिस्टर्ड है उसका आरडी सर्विस यदि इंस्टॉल है तो उसका भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा डिवाइस के अंतर्गत। फिर इसको जनरेट ओटीपी करेंगे, फिर आपके मोबाइल और ईमेल में एक एक ओटीपी जाएगा, तो मोबाइल का भी आप डाल सकते हैं या फिर ईमेल का कोई सा भी ओटीपी डाल के इसको आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको ओटीपी को वेट करते हैं, जैसे ओटीपी आ जाए हम लोग ओटीपी फिलअप करके जस्ट इसको आगे को प्रोसीड करेंगे। जैसे कि ओटीपी हमारे में आ गया और ओटीपी को फिलअप कर दिया, फिर यहाँ पर ऑपरेटर का नाम यहाँ पर डालना होगा, जैसे मैं अपना नाम डाल रहा हूँ उसी तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कुछ अपना नाम डाल के इसको ऑथेंटिकेट करना होगा। ठीक है, इसको चेक मार्क लगा के बायोमेट्रिक स्कैन में क्लिक करके अपना जो फिंगरप्रिंट स्कैन कर लेना है। जैसे ही क्लिक करके अपना मैं फिंगरप्रिंट स्कैन कर लेता हूँ, देख सकते हो ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया, ये बंद होकर वापस से ये क्लोज ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको पेंशनर जिसका भी आपको जो भी पेंशनर है उसका लाइफ सर्टिफिकेट बनाना है तो उसका यहाँ पे डिटेल डालना होगा, जैसे उसका आधार नंबर डालना होगा, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डाल के जस्ट जनरेट ओटीपी करेंगे तो उनके जो मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी जाएगा।
तो ओटीपी को आपको यहाँ से फिलअप कर लेना है। फिर उसको ओटीपी को ऑथेंटिकेशन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डिटेल आपको फिलअप करना होगा, जैसे पेंशन नेम, टाइप ऑफ पेंशन, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, सेक्शन अथॉरिटी, डिसबर्सिंग एजेंसी, एजेंसी पीपीओ नंबर, अकाउंट नंबर, इन सभी चीज़ को यहाँ से आपको फिलअप कर लेना है। जो भी आपके पेंशनर हैं उनके हिसाब से आप उनकी चाहिए गई जानकारियाँ आपको यहाँ से इनपुट करना होगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ को आप एक बार फिलअप कर लीजिएगा। जैसे मैं जो अभी मेरे पास कस्टमर है उसका यहाँ पर मैं फिलअप कर रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे पीपीओ नंबर आपका डाल लेना है, जो कि कस्टमर लेके आएगा पीपीओ नंबर अपना। यहाँ पे अकाउंट नंबर में जो भी जिस अकाउंट में आप कस्टमर का पेंशन आता है उसी अकाउंट नंबर को आपको यहाँ से डालना होगा। फिर जस्ट उसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो फैमिली मैरिड रीमैरिज का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे जो भी है कस्टमर के हिसाब से उनका डिटेल आपको फिलअप करना होगा। फिर जस्ट इसको नेक्स्ट कर देंगे, आधार ऑथेंटिकेशन। फिर वही सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। जस्ट इसको सबमिट करेंगे वापस से, ये सेलेक्ट जनरेशन वगैरह सारा चीज़ इसको ओके करेंगे, तो वापस से सेम डिटेल आपको यहाँ से फिलअप करना होगा, जो कि अभी हमने फिलअप किया सेम उसी तरीके से आपको फिर से फिलअप करना होगा। फिर आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक स्कैन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सारा चीज़ आपको यहाँ से फिलअप कर लेना है। जो डिटेल आपने पहले सबमिट किए हैं सेम उसी डिटेल को आपको यहाँ से फिर से भरना होगा, और उसके बाद आपको पेंशनर का बायोमेट्रिक स्कैन लेना होगा। जैसे बायोमेट्रिक स्कैन लेंगे, फिर बायोमेट्रिक स्कैन लेंगे तो उनका फ़ोटो और आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपने डिफ़ॉल्ट प्रिंटर, जो भी आपका प्रिंटर अटैच रहेगा उसमें बाई प्रिंट हो जाएगा ये। तो यदि आप इसको डिफ़ॉल्ट में पीडीएफ में प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ से आपको वो बायोमेट्रिक स्कैन के ऑप्शन में बायोमेट्रिक स्कैन कराना है। जैसे ही स्कैन कराएंगे आप उसको देख सकते हैं, ये हमारा लाइफ सर्टिफिकेट बन के तैयार हो गया। इसको प्रिंट में जैसे क्लिक करेंगे, आपका जो भी डिफ़ॉल्ट प्रिंटर्स अटैच रहेगा उसमें ये प्रिंट दे देगा, ठीक है। तो चूँकि मेरा प्रिंटर में दूसरा प्रिंटर कनेक्ट था और उसमें हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसको पहले यदि आप पीडीएफ में प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पैनल से डिवाइस एंड प्रिंटर में आके अपना जो भी, जैसे मैं फॉक्सी रीडर को पीडीएफ में सेव करने के लिए यूज़ करता हूँ, तो इसको डिफ़ॉल्ट प्रिंटर में आपको सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप उसको जस्ट प्रिंट में क्लिक करेंगे, जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे तो आपको ये डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा पीडीएफ में सेव करने का। देख सकते हैं हमारा लाइफ सर्टिफिकेट अब प्रिंट होकर तैयार है। आप इसको कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं और फ्री में आप किसी का भी लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए चैनल में बने रहें। यदि हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।